हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, आज हमारी फसलों की शुरुआत हो चुकी है। आज हमने फसल तोड़नी शुरू कर दी है। तो आज हमारा पहला तड़ान शुरू हो गया है। आज हम मिर्ची तोड़ रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे मिर्ची तोड़ रहे हैं। फाइनली आज शुरुआत हो गई है हमारे सीजन की। तो चलिए गाइस, आज मैं बताती हूँ आपको कि हम तोड़े आज शिमला मिर्च। तो ये रहे मेरे हस्बैंड, ये तोड़ रहे हैं। मैं अभी आई, मैं सुबह का नाश्ता बना के डोंगरों का करके, गाय के पास का करके, और फिर आई हूँ खेत में। तो अब दिखाती हूँ, ये है हमारा किला, मतलब इसमें उठाते हैं हम शिमला मिर्च। और इसमें देखिए गाइस, ये है एक टीन, इसमें तोड़ूँगी मैं अभी शिमला मिर्च। और ये रही हमारी जो मेरे हस्बैंड ने तोड़ी थी ना, तो ये रही कुछ शिमला मिर्च, ये किले में इन्होंने भर दी है। तो फाइनली आज हो चुकी है हमारे सीजन तोड़ने की शुरुआत। तो चलिए गाइस, आप मेरे साथ देखते रहिए कि आज मैं क्या क्या काम करते हैं और कैसे हम अपनी शिमला मिर्च को दिल्ली के लिए भेजते हैं। यहाँ पे ना शिमला मिर्च के साइड साइड में मैंने कुछ और चीज़ उगाए थे, तो कुछ खीरा है और कुछ जुकनी जैसे कद्दू। और ये देखिए गाइस, इसमें भी लग चुके हैं हमारे कद्दू, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और साथ में दिखाती हूँ आपको, मैंने जो खीरे वगैरह लगाए थे ना, ये अरबी, और ये देखिए गाइस, ये अरबी का पौधा, और इसमें भी कुछ। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे लगाई है मैंने खीरा। तो ये देखिए गाइस, मेरे छोटे छोटे खीरे लगने हो चुके हैं शुरू। और यहाँ जो आई है फूल के पास भोरा, कुछ हमने खीरे तोड़े थे काफ़ी पहले, तो वो खा चुके हैं और अब नए उगने शुरू हो चुके हैं। और कोई यहाँ से तोड़ के भी ले गया है खीरा मेरा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये किसी ने तोड़ दिया है। और मैं आपको पूरे खेत को दिखा रही हूँ। और आज धूप कुछ ज़्यादा लग रही है, शायद थोड़ी देर बाद बारिश का मौसम भी बन सकता है। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपने शिमला मिर्च की फसल, जो बारिश के बाद कुछ ज़्यादा ही हरी हो चुकी है। जो बारिश की बात होती है उसकी अलग होती है, जो सिंचाई की, हाथ से सिंचाई की जाती है उसकी बात अलग होती है। और ये जो बारिश के बाद गर्मी शुरू होगी ना, मतलब धूप लगना शुरू हुआ है ना, इससे गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। और पसीना, सुबह सुबह ही पसीना आ चुका है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको नीचे का, तो ये हमारे हैं पड़ोसियों के टमाटर। ये देखिए गाइस, ये है पड़ोसियों के टमाटर। और हमारे यहाँ खेती बाड़ी का ज़्यादा काम होता है ना, तो हमारे सबके फसलें लगी होती है आजकल। आजकल हमारे पूरे गांव का यही काम होता है, तोड़ तड़ाई का, कहीं डोरी वगैरह इसको बांधने का। और साथ में है हमारे दूसरे पड़ोसियों की शिमला मिर्च। और ये कुछ मैं दिखाती हूँ अपने गांव के आसपास का थोड़ा सा आपको व्यू। सबसे पहले तो वीडियो देखने वाले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मेरी वीडियो में ना थोड़ी घंटी की आवाज़ सुन रही होगी ना, तो ये हमने जंगली जानवरों के लिए बोतल का बनाया है, तो ये बज रही है। ये देखिए गाइस, हमने ना ये दुकान पे ले आए थे ना मिर्चे, सड़क के पास हमारी दुकान है। और ये भी सड़क, और सड़क के आगे है दुकान, दुकान का मतलब ऐसे गैरेज, गैरेज के पास एक और कमरा तो जो खाली था,
अब उसमें हम शिमला मिर्च या टमाटर वगैरह उठा के लाते हैं तो यहीं पे क्रेटों में भरते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये भर दी है हमने क्रेट में, और यहाँ पे है हमारी क्रेटें जो हमने गाड़ी वालों से ली थी, और ये मेरे हस्बैंड भर रहे हैं और मैंने ये भर दी है। अब ये इस पर गत्ता लगा रहे हैं, ये देखिए गाइस ये लग चुके हैं इसमें गत्ते, और अब ये हो रही है दिल्ली के लिए रेडी। अब इसमें सिर्फ मार्का लगेगा और हम ऐसे यही छोड़ जाएंगे, और जब शाम को गाड़ी वाले आएंगे वो खुद यहाँ से उठा के ले जाएंगे, और हमारे शटर में खुद ही वो ताला लगा जाएंगे, और उनके पास भी रहती है एक चाबी एक हमारे पास। तो आज हम फाइनली हमारा सीजन हो चुका है शुरू, अब जा रही है हमारी मिर्चें दिल्ली, और जब गाड़ी आएगी तो खुद उठा के ले जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ रोड का, तो जो हमारी छोटी सी यहाँ मार्केट है वो तो थोड़ी आगे है। ये देखिए गाइस, हमारे दो चार दुकानें होती है ना यहाँ पे, तो वो तो थोड़ी आगे है, लेकिन जो हमने अपने लिए शेड वगैरह बनाया है ना वो थोड़ा पीछे है। तो ये रहा हमारा शेड, और इसमें भरते हैं हम अपने टमाटर फसलें जो भी होती है ना खेत से तोड़ के लाते हैं और यहाँ पे भरते हैं। और हमारे दो शेड है, शटर है, और इसमें एक में रहती है गाड़ी और एक में रहते हैं फसलें वगैरह जो हम भरते हैं ये। और ये बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। दिन के बज चुके हैं 12, बिसल हो चुकी है, और अब हम भर के हो गए फारिग, अब जाएंगे हम घर के लिए, और फिर खाएंगे खाना दिन का लंच, और नहाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और शाम के टाइम फिर अपना जो हमारा शेड्यूल होता है ना काम करने का, तो फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे।